नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार में महागठबंधन की दिवाली, एनडीए का सफाया। बिहार में तमाम अटकलों को झुठलाते हुए महागठबंधन ने 175 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा नीत एनडीए का सफाया कर दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार का एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। महागठबंधन के पक्ष में प्रचंड जनादेश को देखते हुए भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत देश के सभी दिग्गज नेताओं ने कुमार को जीत पर बधाई भी दे दी है। हालांकि मतगणना के शुरुआती दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब भगवा खेमे ने मिठाइयां बांट दी और पटाखे भी फोड़ दिए, लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा समय तक नहीं रह सका और बाद में महागठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली जो आखिरी समय तक कायम रही। महागठबंधन की जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को नफरत की राजनीति करने वाले लोगों के गाल पर तमाशा करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश घूमना छोड़कर सरकार चलाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महागठबंधन की जीत के लिए राज्य की जनता को बधाई देते हुए इसे अहंकार पर विनम्रता की जीत बताया है। नीतीश कुमार ने कहा, महागठबंधन की जीत बिहार के स्वाभिमान की जीत। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन की जीत बिहार के स्वाभिमान की जीत है। उन्होंने कहा कि हमें समाज के हर तबके का समर्थन मिला है और जनता ने सभी आरोपों और अनुमानों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दलों में जितनी एकजुटता चुनाव के समय थी, उतनी ही एकजुटता से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार करते हुए नीतीश ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लालू यादव ने कहा, अब दोनों भाई करेंगे बिहार का विकास। राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बिहार में महागठबंधन की बड़ी जीत के बाद कहा कि बिहार की जनता ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है, अब हम दोनों भाई बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में राज्य तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। अपने आवास पर नीतीश की मौजूदगी में लालू ने कहा कि अब मैं पूरे देश में भ्रमण कर दिल्ली की भाजपा सरकार को हटाने के लिए जन आंदोलन चलाऊंगा। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में नीतीश और लालू छोटा भाई और बड़ा भाई कहा था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।